गुरुवार को पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 की आदर्श नगर कॉलोनी वासियों के द्वारा पेयजल लाइन डलवाने के लिए जलदाय विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु मील को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि पिछले कई वर्षों से कॉलोनी में पेयजल की समस्या बनी हुई है, जो गर्मियों में विकराल रूप ले लेती है। पेयजल समस्या से निजात पाने के लिए कॉलोनी के लोगों को महंगे दामों में टैंकर डलवाने पड़ते हैं। कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में पेयजल लाइन डालकर कनेक्शन जारी करने की मांग की है। इस पर सहायक अभियंता हिमांशु मील ने आश्वासन दिया कि कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल का निर्माण करवा दिया गया है, जल्द ही लाइन डालकर कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान कॉलोनी वासी राम अवतार बाजिया, फूलचंद कुमावत, बलराम जाखड़, विनोद गुर्जर आदि जन मौजूद रहे। रिंगस कस्बे में बढ़ रही पेयजल समस्या को दूर करने के लिए जलदाय विभाग ने कमर कस ली और अवैध नल कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 जनों को नोटिस जारी किए गए। विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु मीन ने बताया कि दिनों दिन बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए विभाग के कर्मचारियों द्वारा 22 फरवरी को पालिका क्षेत्र के वार्ड 17 में स्थित आदर्श कॉलोनी में सर्वे किया गया, जिसमें 10 जने पेयजल लाइन से अवैध कनेक्शन करके पानी की चोरी करते हुए पाए गए। विभाग द्वारा कॉलोनी वासी शिवदान सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, लालचंद रैगर, बाबूलाल रैगर, नीतू यादव, श्रीकांत शर्मा, निमीचंद हरितवाल, अमरचंद कुमावत व संजय खान को नोटिस देकर 3 दिन में अवैध नल कनेक्शन हटाने के लिए पाबंद किया गया। 22 तारीख को विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 17 में अवैध कनेक्शनों का एक विस्तृत सर्वे किया गया, जिसमें 10 लोगों के जो है अवैध कनेक्शन पाए गए तथा उन लोगों ने अपनी मनमर्जी से अवैध तरीके से अवैध कनेक्शन करके पानी चोरी करना पाया गया। उन 10 लोगों को 3 दिवस में अवैध कनेक्शन हटवाने हेतु नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा उन पर PDPA एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। विभाग द्वारा आगामी दिनों में सघन अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।